जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जॉइंट पार्लियामेंट ने एक हम मुसलमानों से एक राय मांगी है वक्फ अमेंडमेंट बिल के मुताबिक, तो उसी को चलते हुए बहुत सारे हमारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको अभी तक उस बारे में नहीं मालूम। तो आज वार्ड नंबर 1 ताजनगर मुस्लिम संघ में SDPI के कैडर्स और यहाँ के नौजवानों ने मिलकर जहर के बाद से लेकर अभी जो टाइम हो रहा है 9:15 हो रहे हैं, जहर के बाद से 10:15 रात तक तमाम लोगों तक पहुँचे और लोगों के मोबाइल लिए और उसके ज़रिए जॉइंट पार्लियामेंट तक अपनी राय पहुँचाए हैं कि हम इस बिल की सख्त मजम्मत करते हैं। और इसी तरह 13 तारीख तक जब तक वक्त है इंशाल्लाह हम अपने एरिया में भी अपने एरिया के अलावा भी जाकर इस काम को अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वार्ड नंबर 1 में SDPI की तरफ से डोर टू डोर कैंपेनिंग रखा गया था, जिस जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो ईमेल्स करना था अब तक जो है घरे घर फिर के और मसाजिद में जा कर के लोगों के वो बताए कि क्या इसके नुकसान हैं ये वक्फ बोर्ड बिल आने की वजह से। तो ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट किए हैं किस तरीके से जो कौम का दर्द रखते हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो हमारे गुलबर्गा शहर में, तो आप लोग भी हमारी तरह ग्राउंड पे उतर करके ये ईमेल्स कराने लगाइए, क्योंकि ये ईमेल्स बहुत मायने रखते हैं हमारे को एक राय देने के लिए। जब हमारे को एक लीगली तौर पर एक हमारे को जब राय देने का वक्त मिल रहा है तो हम खामोश क्यों बैठे। जिस तरीके से हम CA NRC में आप लोग देखेंगे कि गुलबर्गे में पूरा एक गुलबर्गा बंद करके जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया वो वाकई तारीफ के काबिल था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया जा रहा है तो सभी लोग खामोश हैं। इस तरीके का हम खुद को देखना है और खुद एक्टिव होकर इसको टोटली रिजेक्ट करना है ये बिल को। और आप लोग जाइए अपने घरों में, ये QR कोड जो है ऑलरेडी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे जो भेजा है हम लोगों को, उसको आप स्कैन करके अपने अपनी राय दीजिए, ये टोटली इसको रिजेक्ट करिए ये बिल को, और आप लोग इसका साथ दीजिए। हम लोग जिस तरीके से करे हैं आज अपने अपने एरिया में, अपने अपने गली में हो या एरिया में हो या वार्ड में हो, इस तरीके से एक एग्जाम्पल हम सेट किए हैं आज, आप उसी तरीके से आप आगे भी काम करिए या फिर इससे अच्छे और अंदाज में आप लोग काम करिए। सभी मैं एरिया के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ करके काम कर रहे हैं आज, ना दिन देखे हैं ना रात देखे हैं, तो आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। जैसे कि आप तकरीबन लोगों को ये शायद पता ही हुआ कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल का जो तस्करा हो रहा है हर जगह पे, मैं समझता हूँ तकरीबन मुसलमानों को ये पैगाम पहुँच चुका है। अक्सर क्या होता है, देखिए पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल जो है ना हमारी विदाउट इंफॉर्मेशन इसको अप्लीकेबल किया जाता है, बहुत रेयर केसेस में ऐसे बिल्स होते हैं जो हमारी आम लोगों की राय जो है ना इम्पोर्टेंस रखती है। वैसे तो जो है NRC और CA में भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो आज फिर एक बार उसी मोड़ पे हमें लाकर खड़ा कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। हम किसी को भरा बुरा नहीं कह रहे, बट हमारे हिस्से जो काम आया है बस हमें वो सरंजाम देना है। जब रिलीजन्स की बात आती है तो हम एक होना तो दूर है, हम बेदार भी नहीं होते, हम एक्टिव भी नहीं होते, तो जबकि सबसे इम्पोर्टेंट है यूजली अगर देखा जाए पॉलिटिकल वोट्स के लिए, जब घर पे कोई हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उससे वोटिंग करते हैं। तो ये जो आज की जो वोटिंग है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब QR कोड का यूजली तौर पर सेंड करना आप अंदाजा लगा लिए कि बड़े बड़े उलमाओं की जो राय है इस QR कोड को लेकर, इस बिल को लेकर हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है शायद आपको अंदाजा नहीं है। पता नहीं कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमें एक्टिव होना बहुत जरूरी है। हम आज भी ऐसे कई बिल्स आकर चले गए फिर भी हम होटलों पर बैठना नहीं छोड़े हैं, और जो है ना हमारे पास गेम्स खेलने के लिए टाइम्स हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक देखने के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है। जब ऐसे बिल हमारे सामने आते हैं तो कई सारे हमारे मुस्लिम नौजवान भाइयों को पता भी नहीं चलता कि कौन सा बिल आया और कौन सा एस्टेब्लिश हुआ है। तो मेरी एक हार्डली रिक्वेस्ट है तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से कि इस बिल को नज़रअंदाज ना करें, प्लीज़ हार्डली रिक्वेस्ट है इस बिल को समझें, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार हाथ से चली जाती है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता और ना मैं किसी पार्टी को बुरा भला नहीं करना चाहता। हमारे इससे जो काम आया है बस उसको हम सरंजाम दें और इस बिल के इस एक्ट के अपोजिट में हम अपनी राय, वक्फ बोर्ड का जो पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया है हम अपनी राय से इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। और मैं तो इस बिल को ज़ाती तौर पर रिजेक्ट करता हूँ, आप भी अपनी राय जीमेल के थ्रू दे सकते हैं।
जैसे कि QR कोड है, ये तो बहुत जगह सर्कुलेट हो चुका है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है इस QR कोड को स्कैन करने में, तो बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं और ये इंशाल्लाह कल भी हम जो एक्टिव रहेंगे, तो इस QR को स्कैन करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको स्कैन करना है, सेंड करना है। जिसको नहीं पता वो अपने दोस्तों अहबाब से रब्ता करें और इसको कम्प्लीट करें। हाँ मैम।